मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं क्वार्टर फोर FY18 एस्टिमेशन करने वाला हूँ थ्री कंपनीज की, रिलायंस इंडस्ट्रीज, मारुति सुजुकी एंड RBL बैंक, जिसकी रिजल्ट आने वाली है फ्राइडे को 27 अप्रैल 2018 को। मेरा नाम है केतन अग्रवाल, आपका इन्वेस्टमेंट कोच। तो स्टार्ट करते हैं एनालिसिस से। सो स्टार्ट करते हैं Q4FY18 फाइनेंशियल एस्टिमेशन से। स्टार्ट करने से पहले मैं दो चीज़ बताना चाहूँगा। ये वीडियो मैं हिंदी में बनाया हूँ, इसका सेम वीडियो मैंने इंग्लिश में बनाया है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। और यहाँ पे मैं एस्टिमेटेड नंबर यूज़ कर रहा, जो कि बेस्ड ऑन एजम्पशन है, जो कि काफ़ी अलग हो सकती है, थोड़ी बहुत अलग हो सकती है एक्चुअल नंबर से। तो ये सिर्फ आपकी स्टडी पर्पज़ के लिए है, और आप इससे इस प्रेजेंटेशन आपको थोड़ा अंदाजा आ जाएगा कि कहाँ क्या रिजल्ट आ सकता है, उस हिसाब से फ्यूचर में एक्ट कर सकता है। अगर मेरे रिजल्ट काफ़ी अच्छा आता है तो अच्छी बाय अपॉर्चुनिटी हो सकती है, मेरे रिजल्ट काफ़ी गंदा आता है तो हो सकता है कि सेल अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो आपको इससे एक आइडिया आ जाएगा, अंदाज आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे मारुति सुजुकी से। आप देखेंगे यहाँ पे मैंने टेबल बनाया है, जहाँ पे स्टार्ट होता है 2017 विच इज़ FY 2018, देन Q2, Q3, Q4 विच इज़ एस्टिमेटेड नंबर है FY 17 एंड FY 18, जो कि अगेन एस्टिमेटेड नंबर है। तो स्टार्ट करते हैं Q4 से, जो कि सेल्स थी 18,333 करोड़ की Q4 में। एंड जब Q1 FY18 का बात करेंगे तो 17,000 करोड़ का सेल्स था, 17,545 करोड़ का सेल्स। Q2 में अच्छा जंप मिला सेल्स में, 21,768 करोड़ का सेल्स, 24% जंप हुआ GST के बाद। एंड Q3 में अगेन 19,000 करोड़ का सेल्स था, काफ़ी गिरावट आया, बट अगेन मार्च में मैं अच्छा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जंप होना चाहिए सेल्स में, जो कि 23,525 करोड़ का सेल्स हो सकता है, 23% जंप है। इसका रीज़न क्या है कि कंपनी का जो न्यू कार है मारुति स्विफ्ट, जो लॉन्च हुआ है एंड जो कि जनवरी में इसकी बुकिंग स्टार्ट हो गई थी, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है उस कार को, तो उस वजह से कंपनी के सेल्स में अच्छी इंप्रूवमेंट आनी चाहिए इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, क्योंकि कंपनी को पूरा मंथ मिला, जैन में स्टार्ट हो गया था, जैन फेब मार्च पर 3 महीने में कंपनी का अच्छा फायदा हुआ होगा, उनके रेवेन्यू में काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई होगी। और उस हिसाब से अगर रेवेन्यू होता है 23,525 करोड़ का, तो कंपनी का जो प्रॉफिट हो सकता है वो अराउंड हो सकता है 2,588 करोड़ का, जो कि 43.8% जंप है पिछले क्वार्टर से, एंड 11% मार्जिन हो सकता है प्रॉफिट मार्जिन, जो कि उस हिसाब से कंपनी का जो EPS हो जाएगा 85 का EPS हो सकता है 85.69। FY 17 की बात करेंगे तो FY 17 में 70,000 करोड़ का सेल्स था लास्ट ईयर, अभी FY 18 में 82,000 करोड़ का मैं सेल्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो कि 16.8% जंप है पिछले ईयर से। नेट प्रॉफिट हो सकता है 8,427 करोड़, जो कि अगेन 14% जंप है पिछले ईयर से। मार्जिन हो सकता है अराउंड 10.26%, एंड कंपनी का जो न्यू EPS हो सकता है वो 279 का EPS हो सकता है। तो जब हमें न्यू EPS अभी पता है, एस्टिमेट किया है मैंने, तो उस हिसाब से हम फ्यूचर प्राइस कंपनी के कैलकुलेट कर सकते हैं PE एनालिसिस करके। तो यहाँ पे मैंने 5 टेबल यूज़ किया, जहाँ पे पर्टिकुलर से शेयर प्राइस है, EPS है, PE है, इंडस्ट्री PE है। तो पर्टिकुलर से हम देखेंगे किस टाइम में कंपनी का शेयर प्राइस कहाँ पे ट्रेड हो रहा था। तो अप्रैल 2017 में शेयर प्राइस ट्रेड हो रहा था 6,640 रुपीज़ में, जो कि EPS था उस समय 242 का, एंड PE था 27 का। Jan 2018, जब मार्केट ऑल टाइम हाई था, तो शेयर ट्रेड हो रहा था 9,660 रुपीज़ में, EPS था 249 रुपीज़ का ट्रेलिंग EPS पिछले 4 क्वार्टर का। एंड जो PE था 37 में ट्रेड हो रहा था, जब मार्केट गिरा बजट एंड PNB स्कैम के बाद, तो मार्च 2018 में ये कंपनी ट्रेड हो रहा था 8,860 में, EPS था 249 का, PE था 35 का। तो ये एज्यूम कर सकते हैं कि कंपनी जो 35-37 की EPS में ट्रेड हो सकती है, जब मार्केट हाई था 37 था, जब मार्केट लो था तो 35 था, तो इस EPS में कंपनी को ट्रेड होनी चाहिए। अगर इस EPS PE को हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यू EPS से, तो हमको फ्यूचर प्राइस एस्टिमेट हम कर सकते हैं, 279 × 35 करेंगे तो 9,765 आता है, 279 करेंगे तो 10,323 आ सकता है। तो इस और कंपनी का करेंट प्राइस है 8,947 रुपीज़ का। तो अगर मेरी EPS जो मैंने कैलकुलेट किया 279, उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा और अच्छा EPS कंपनी का बनता है, तो हो सकता है कि कंपनी की प्राइस और ऊपर, उससे भी ऊपर जा सकती है। अगर उससे ख़राब होता है तो करेंट प्राइस से मार्केट नीचे गिर सकता है, तो मेरे या तो थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो कंपनी और बेस हो सकता है कि कंपनी के फ्यूचर के बारे में क्या बात करते हैं, कंपनी का क्या प्लान है उस हिसाब से कंपनी में, और हम लोग को बेस्ड ऑन दैट हम लोग को और काफ़ी इंप्रूवमेंट या गिरावट देखने को मिल सकती है, बट मैं पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस क्वार्टर के रिजल्ट में। अगला बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में।
रिलायंस इंडस्ट्री में भी अच्छी कंपनी में अच्छी ग्रोथ थोड़ा सा इफेक्ट किया था कुछ क्वार्टर्स में, जब रिलायंस क्यू लॉन्च हुआ था कंपनी ने काफ़ी प्रमोशन किया था और कंपनी ने फ्री ऑफर्स दे रही थी, उस समय कंपनी का थोड़ा सा लॉस में हो रहा था रिलायंस जियो की वजह से, उस रिलायंस जियो की वजह से थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन में गिरावट देखने को मिलेगा इस रिजल्ट में, बट ऑब्वियसली फ्यूचर में रिलायंस जियो कंपनी को अच्छा प्रॉफिट देने वाली है, तो ये अच्छा बाय भी हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए, प्लीज़ अपनी स्टडी जरूर करें। लेकिन आप तो स्टार्ट करते हैं अगेन यहाँ पे Q4 एनालिसिस से। Q4 में जो कंपनी का जो रेवेन्यू था 67146 करोड़ का रेवेन्यू था, Q1 में 64,000 का रेवेन्यू था, Q2 में 68,000 करोड़ का रेवेन्यू है, Q4 में 73,000 का। अगेन मैं 7% जंप कर रहा हूँ, Q4 एस्टिमेटेड जो नंबर है 7% का जंप कर रहा है रेवेन्यू में, जो कि 78,383 करोड़ का रेवेन्यू हो सकता है 78,000 का। तो यहाँ पे जो रेवेन्यू में थोड़ी गिरावट आई थी हम लोग को देखने को मिलेगा क्या क्वार्टर वन में, वो सब क्रूड ऑयल के प्राइसेस की वजह से जो ऊपर नीचे होता है कंपनी को उसकी वजह से कंपनी का रेवेन्यू अप डाउन होती है, उसका मतलब ये नहीं कि सेल्स डाउन हो रहा है, सेल्स ग्रोथ होता रहता है, बट क्योंकि ऑयल सस्ता हो गया है तो उनकी रेवेन्यू ऑब्वियसली डाउन हो जाती है। तो नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे, नेट प्रॉफिट जो कि Q4 एस्टिमेटेड नंबर है वहाँ पर 9,406 करोड़ का प्रॉफिट हो सकता है, जो कि 11.2% जंप है Q3 से, 12% का मार्जिन हो सकता है प्रॉफिट मार्जिन, EPS हो सकता है 14.8। अब बात करेंगे FY17 की, जहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू थी लास्ट ईयर 2,50,734 करोड़ का रेवेन्यू था, यहाँ पे मैं 13% का जंप एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, 13.5% ऑलमोस्ट। तो न्यू जो कंपनी की जो न्यू रेवेन्यू हो सकती है वो हो सकती है 2,84,389 करोड़ की, और कंपनी की जो नेट प्रॉफिट हो सकती है 34,000 करोड़ की नेट प्रॉफिट हो सकती है, जो कि 9% जंप है पिछले ईयर से, और 12% प्रॉफिट मार्जिन हो सकता है, थोड़ी गिरावट आई है बिकॉज ऑफ जियो, एंड EPS जो है हो सकता है 54 रुपीज़ का EPS हो सकता है। तो जब न्यू EPS हमको पता है 54 रुपीज़ का हो सकता है, तो उस हिसाब से हम न्यू कंपनी की शेयर प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस रेंज में जा सकती है शेयर प्राइस। तो वही सेम टेबल मैं यूज़ करूँगा, अप्रैल में 2017 जो था कंपनी का शेयर ट्रेड हो रहा था 680 रुपीज़ में, EPS था 48 का, PE था 14 का। यहाँ पे कंपनी ने बोनस इश्यू दिया तो मैंने EPS का एडजस्ट कर दिया उस हिसाब से ताकि कैलकुलेशन के लिए ईजी हो जाए। जैन 2018 में जो कंपनी का शेयर प्राइस था 930 का था, EPS था 51 का, PE था 17.9 का, जब मार्केट ऑल टाइम हाई था, जब मार्केट लो था बिकॉज ऑफ PNB स्कैम। मार्च में जो कंपनी से एवरेज प्राइस था 900 रुपीज़ का, EPS था 51 का, PE था 17.35 का। तो कब ये एज्यूम कर सकते हैं कि ये 17 to 19 की EPS में ट्रेड हो सकती है, तो मल्टीप्लाई करेंगे अगर 54 × 17 करेंगे तो 921 रुपीज़ आता है, और 19 × 54 करेंगे तो 1029 आता है, करेंटली कंपनी ट्रेड हो रहा है 980 रुपीज़ में। तो अगर मेरी अगर कंपनी की EPS 54 से ज़्यादा आती है तो आप मल्टीप्लाई करें 19 से आपको प्राइस रेंज मिल जाएगा, उससे कम आती है तब भी आप मल्टीप्लाई कर आपको प्राइस रेंज मिल जाएगा। तो इस प्रेजेंटेशन से आपको आइडिया आ जाएगा कि कंपनी कहाँ पे जा सकती है। अब बात करेंगे RBL बैंक की, RBL बैंक भी अच्छी बैंक है, कंपनी की जो NPA है काफ़ी लो है, अच्छी बैंक है, अच्छी ग्रोथ हो रही है इस बैंक में भी। बात करेंगे Q1 में देखेंगे तो 1300 करोड़ का सेल्स था, देन 2.5% जंप हुआ, देन 5.7% जंप हुआ, तो मैं Q4 में 6% जंप एक्सपेक्ट कर रहा रेवेन्यू, जो कि वो हो सकता है 1493 करोड़ का रेवेन्यू हो सकता है। नेट प्रॉफिट हो सकता है 179 करोड़ का, जो कि 8.3% जंप हो सकता है पिछले क्वार्टर से, 12% प्रॉफिट मार्जिन हो सकता है, 4.2 का EPS हो सकता है। तो बात करेंगे FY17 की, जो कि रेवेन्यू था कंपनी का 4,468 करोड़ का, जो कि अभी हो सकता है 23% जंप आ सकता है रेवेन्यू में, और हो सकता है 5,534 करोड़ का रेवेन्यू हो सकता है। नेट प्रॉफिट में 42% का जंप आ सकता है पिछले ईयर से, जो कि 636 करोड़ का प्रॉफिट हो सकता है, जो कि 11.4% मार्जिन है, EPS है 15.2। तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 15.2 न्यू EPS है PE से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राइस रेंज मिल सकता है। आप देख सकते हैं अप्रैल 2017 में कंपनी का प्राइस ट्रेड हो रहा था, इक्विटी ट्रेड हो रहा था 540 रुपीज़ में, EPS था 12.259, PE था 42। जैन में कंपनी का शेयर प्राइस था 530 रुपीज़, 14.98 ट्रेलिंग EPS था फोर क्वार्टर का, PE था 35। मार्च में जब मार्केट लो था 470 शेयर प्राइस था, EPS था 14.98, EPE था 31। तो ये कंपनी 32 to 35 PE में ट्रेड हो सकती है, और अब मल्टीप्लाई करेंगे 32 × 15 to 486 आता है, 35 × 15.2 करेंगे तो 539 आता है, और कंपनी का जो कंटेंट प्राइस है 520 रुपीज़ है। तो आपको सिंपल करना है, अगर आप
कि जो ईपीएस अगर 15 से ऊपर आते 17 आती है तो अब मल्टीप्लाई करके देखें 17 into 32 और 17 into 35 तब को कंपनी का शेयर प्राइस का रेंज मिल जाएगा। उस हिसाब से अपने बाई या सेल डिसीजन आप ले सकते हैं। ये जो मैंने जो बनाया एस्टिमेट आपके रेफरेंस के लिए है। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो बनाते रहूँगा इस अर्निंग सीजन में। और मैं इस चैनल पर लॉन्ग टर्म वीडियो एनालिसिस लॉन्ग टर्म भी एनालिसिस करता हूँ, काफ़ी शेयर्स के मैंने किया है पास्ट में और फ्यूचर में और करते रहूँगा, तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। बाय।